हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू क्लास 7 चैप्टर नंबर 20 फोर्सेस फॉर्मिंग लैंडफॉर्म्स। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट कि कौन कौन सी ऐसे फोर्सेस हैं जो कि अर्थ सरफेस पे लैंडफॉर्म क्रिएट करती हैं। ओके, तो अर्थ सरफेस पे भी और इनसाइड अर्थ सरफेस भी। तो लास्ट में हमने एंडोजेनिक फोर्सेस किया था कि जो फोर्सेस जो कि इनसाइड द सरफेस क्रिएट होती है और कौन कौन से लैंडफॉर्म्स वो क्रिएट करती हैं, लाइक जैसे हमने वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक हमने डिस्कस किया था। सो तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सोजेनिक फोर्सेस। सो दिस फोर्सेस ओरिजिनेट ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो लाइक जैसे एंडोजेनिक फोर्सेस थी जो कि इनसाइड द अर्थ सर्फेस क्रिएट होती है, जनरेट होती है, लेकिन जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं ये ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ जनरेट होती हैं। तो एक्सो स्टैंड फॉर ये जो एक्सो स्टैंड फॉर आउटसाइड एंड जेनिक मीन जेनेसिस और ओरिजिन। दीज फोर्सेस क्रिएट डिस्ट्रॉय और शेप द लैंडफॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं ये क्या करती है, जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं जो कि अर्थ सरफेस पे बने हुए होते हैं उन्हें क्या करती है, उन्हें डिस्ट्रॉय करती है और उनको रीशेप करती है और की नई शेप क्रिएट करते हैं। ओके, तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स इन जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं ये टू टाइप्स की हैं, इरोजनल एंड डेपोजिशनल। वेदरिंग एंड इरोजन आर एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो वेदरिंग और इरोजन होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस। इन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग रॉक्स अंडरगो वियर एंड टियर ड्यू टू द एटमोस्फोरिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड प्रेशर। ओके, देखो सबसे पहले ये कि वेदरिंग क्या है, अगर रॉक्स के जो हमारे पास रॉक अगर कोई अवेलेबल है, हमारे पास कोई रॉक प्रेजेंट है, अगर उसमें जो उसके काफी माइन्यूट जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो काफी माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी डिसइंटीग्रेशन और उनकी ब्रेक डाउन हो रहा है। ओके, तो रॉक्स अंडरगो वियर एंड टियर, अगर देखो हिंदी में कहें अच्छे से तो रॉक्स को जो टूट फूट रही है, वियर एंड टियर ड्यू टू किस कारण से टूट फूट रही है, वियर एंड टियर हो रही ड्यू टू एटमोस्फेरिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड प्रेशर के कारण से जो कि रॉक्स को वियर एंड टियर्स हो रही है। द प्रोसेस ऑफ इरोजन ट्रांसपोर्ट सच एज वेदर मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू एजेंट सच एज वॉटर, आइस एंड विंड। ओके, देखो ये प्रोसेस के थ्रू एक काम हो रहा है कि सबसे पहले टेम्परेचर, मॉइस्चर और प्रेशर ने रॉक्स को डिसइंटीग्रेशन किया, रॉक को वियर एंड टियर किया। उसके बाद नेक्स्ट जो इरोजन है, जो इरोजन क्या करेगा, इरोजन प्रोसेस कि ये जो मटेरियल्स है जिसकी टूट फूट हुई है, वियर एंड टियर हुए, उस मटेरियल को उस सेडिमेंट्स को ये वेदर्ड मटेरियल और सेडिमेंट मटेरियल्स को ये क्या करेगी, उसको मूव करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू एजेंट। कौन कौन से एजेंट्स है जो कि इस मटेरियल्स को मूव करेंगे, लाइक वाटर, आइस एंड विंड। ओके, तो देखो अब जो वेदरिंग एंड इरोजन प्रोसेस अगर जनरेट हो रहा है, अगर क्रिएट हो रहा है ये, तो जो तो ये भी एक लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, इसके पीछे जो एजेंट्स हैं लाइक वाटर, आइस एंड विंड। ओके, तो अब ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अगर ये जो एजेंट्स हैं, मान लेते हैं अगर रॉक की डिसइंटीग्रेशन हो गई है, रॉक को हमने वियर टियर कर दिया है, अगर इरोजन हो रहा है, ओके, तो ऐसे जो एजेंट्स हैं वाटर, आइस एंड विंड। ओके, तो जब ये मटेरियल्स को, जो वेदर मटेरियल है, उसे जब वो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर उसे माइग्रेट कर रहे हैं, तो वो कौन, जब वो जब ये वाले एजेंट्स वाटर, आइस और विंड उन सेडिमेंट्स को जो कहीं पे अगर डिपॉजिट करेंगे, तो डिपॉजिट से वो कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करेंगे वो। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वाटर, वाटर इज द वन ऑफ द मेजर एजेंट्स दैट क्रिएट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सर्फेस। ओके, देखो हम इसमें यही डिस्कस करेंगे हम कि जो एजेंट्स हैं वाटर, आइस एंड विंड, अगर ये वेदर मटेरियल या फिर जो सेडिमेंट्स है, अगर उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है वन प्लेस टू अनदर, तो वो जब ट्रांसपोर्ट करके कहीं ना कहीं तो उन्हें वो डिपॉजिट करेगा ही वो। ओके, तो जब वो डिपॉजिट करेगा तो कौन कौन से वो लैंडफॉर्म्स वो क्रिएट कर रहे हैं। तो सो वाटर इज द मेजर एजेंट क्रिएट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सर्फेस। रिवर इरोड्स माउंटेन टू क्रिएट वैलीज। देखो वाटर है तो कहां, वाटर कहां पे मैक्सिमम रिवर्स में फाउंड होता है, ओशंस में, तो रिवर्स इरोड माउंटेन्स। तो रिवर जब जब फ्लो करती है ये, तो ये क्या करेगी, माउंटेन्स को जो उसके नियर बाय जो उसकी लेवीज होती हैं, बोथ जिसको हम लेफ्ट बैंक या राइट बैंक कहते हैं रिवर्स का, तो उसको क्या करेगी, इरोड करेगी और क्या क्या लैंडफॉर्म्स क्रिएट करेगी, टू क्रिएट वैलीज, प्लेन्स एंड डेल्टास। तो ये क्या है, ये वैलीज, प्लेन एंड डेल्टास क्या है, ये लैंडफॉर्म्स है, कहां पे है, ये हमें अर्थ सर्फेस पे है, ये अर्थ सर्फेस पे ये मेक और मेड हो रहे हैं ये। ओके, तो वैलीज, प्लेन एंड डेल्टास कौन बनाते हैं, वाटर यानी रिवर्स बनाती है। ओके, ग्लेशियर्स फॉर्म्स लैंडफॉर्म्स सच एज सर्क्स। अगर ग्लेशियर्स की अगर मूवमेंट हो रही है, तो ये क्या लैंडफॉर्म क्रिएट करेंगे, सर्क्स एंड मोरेन्स ऑन माउंटेन स्लोप्स। ओके, तो सर्क्स क्रिएट करेंगे और मोरेन्स कहां पे करेंगे, माउंटेन स्लोप्स में।
सी वेव कास्ट कोस्ट लाइन, अगर जैसे सी वेव की अगर मूवमेंट हो रही है जैसे हम विंड में काउंट करेंगे, तो अगर कोस्ट लाइन की नियर बाय अगर रन कर रही है ये ब्लॉक कर रही है, एंड कोस्ट लाइन बीचेस फॉर्म्स सेवरल अदर लैंड फॉर्म्स दैट वी सी अराउंड कोस्ट। ओके, ये नेक्स्ट में हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम कि कौन कौन से विंड से जो सी वेव है उससे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं। तो वाटर एक्ट एज अ बोथ एज इरोजनल एज वेल एज डेपोजिशनल एजेंट। ओके, तो जो वाटर है हमारे पास किस तरह से ये एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा, देखो एक तो ये वाटर जो अगर रिवर पे अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो ये इरोजन भी करेगा जो नियर बाय इसके पास मटेरियल सेडिमेंट्स को, और डिपॉजिट भी करेगा। ओके, तो आपने लर्न करना है कि वाटर एक्ट एज अ बोथ इरोजनल एज वेल एज डेपोजिशनल एजेंट। तो अब देखते हैं हम कि लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय रिवर, तो रिवर जब फ्लो करती है तो कौन कौन से, जब वो अपने जो हमारे पास रॉक्स हैं जो सोइल है जब उसको वो इरोजन करती है अगर उसका, तो वो कौन कौन से लैंड फॉर्म वो क्रिएट करती है। ओके, एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं। रिवर यूजली ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियर्स और लार्ज फ्रेश वाटर लेक। देखो ये तो कॉमन सी बात है कि रिवर्स ओरिजिनेट करती है माउंटेन से, ओके, जहाँ के ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं एंड लार्ज फ्रेश वाटर लेक से ये रिवर्स क्रिएट होती हैं। ओके, दे फ्लो विद सच फोर्स थ्रू आउट द माउंटेन दैट कैरी ह्यूज रॉक्स एंड बाउल्डर्स। जब ये चलती है तो काफी कैरी ह्यूज रॉक्स बाउल्डर्स ये कैरी करते हैं अपने साथ, एंड sometimes even mountain side along with them as they flow through different stages rivers can be carve different landforms। तो इस इनिशियल स्टेज अगर रिवर फ्लो करती है तो इनिशियल स्टेज में रिवर कट थ्रू स्टीप माउंटेन्स एंड फॉर्म्स वैली एंड जॉर्जेस। ओके, तो जब इनिशियल स्टेज में जब रिवर फ्लो करेगी तो कौन से लैंडफॉर्म क्रिएट करेगी, या तो वो वैली बनाएगी या जॉर्जेस गॉर्जेस बनाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम द हार्ड रॉक रिमेन्स प्लेस इन वाइल द सॉफ्ट रॉक एज इरोडेड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। ओके, तो इसमें क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर कंटिन्यूसली रिवर फ्लो कर रही है तो क्या जो जो हार्ड रॉक होगी वो वहीं पे काफी देर तक वो वहां पे रिमेन रहेगी। द हार्ड रॉक रिमेन इन द प्लेस जहां पे है, जो सॉफ्ट सॉफ्ट रॉक होगी वो इरोड हो जाएगी बाय द एक्शन ऑफ वाटर। अ लार्ज डिप्रेशन इज दस क्रिएटेड कॉजिंग अ वाटरफॉल इन द प्रोसेस। तो इससे क्या है, वाटरफॉल क्रिएट होगा। ओके, तो फटाफट से हम इसे देखते हैं हम इसे। ओके, देखो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिवर मेंडरिंग क्या होता है। देखो रिवर मेंडरिंग कुछ नहीं है, देखो जब रिवर फ्लो कर रही है तो नियर बाय जो इसके लेफ्ट और राइट बैंक है इनको ये क्या करेगी, जो मटेरियल जो सॉइल है जो रॉक्स है उसे इरोड करेगी। ओके, तो रिवर में जिस तरह से जहां पे अगर मान लेते हैं कि यहां पे अगर यहां पे सॉफ्ट रॉक है तो वाटर ने इस वाले एरिया को कट कर दिया है, और ये जो पोर्शन यहाँ पे हार्ड होगा इसको वो वाटर ने रिवर ने कट नहीं किया है। ओके, तो जिस तरह से उसके रास्ते में जो जो सॉफ्ट रॉक आती रहती हैं उसे वो कट करके अपना रास्ता वो क्रिएट करती हैं रिवर्स। ओके, तो इसे हम कहते हैं रिवर मेंडरिंग। ओके, जैसे यहां से इस वाले पोर्शन को ये रिवर जो वाटर है ये कट कर रहा है। ओके, तो ये रिवर मेंडरिंग। एंड ऑक्सबो लेक, देखो ऑक्सबो लेक मीन्स कि पहले के टाइम में पास्ट टाइम में रिवर इस तरह से फ्लो करती थी, लेकिन जो रिवर का वाटर का फ्लो था उसने यहां से मेंडरिंग कर दी इस वाले पोर्शन को, और ये वाला पोर्शन ऐसे लेफ्ट रह गया। तो ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसे हम ऑक्सबो लेक कह सकते हैं इसे हम। ओके ओके, तो लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स कौन कौन से लैंडफॉर्म क्रिएट करती है, वैलीज जॉर्जेस एंड ऑल्सो वाटरफॉल। When the river flows in the less undulating region, in the plains or the middle course, it starts depositing its lots of eroded material. देखो जब rivers जब middle stage में जब middle stage पे जब वो पहुंच जाती है तो वहां पे वो जितना भी erosion material होता है जो weathering जो erosion के साथ लाई होती है वो उसको वो deposit करती है। okay? तो जब वो deposit करती है वो middle stage पे तो वो delta create करती है। okay? Eroded material or silt over the area around it, and such deposit create flood plains. Okay, तो डेल्टा भी क्रिएट करती है और साथ में फ्लड प्लेन्स भी ये क्रिएट करती हैं। यहाँ पे जो रिवर का जो इंटेंसिटी है वो काफी स्लो होती है, इसलिए वो मैक्सिमम वो डिपोजिशन का ही वर्क करती है। ये मैक्सिमम फाउंड होती है कहाँ पे, प्लेन्स में। ओके, देखो रिवर्स क्या है कि रिवर्स के सबसे पहले ये है कि रिवर्स को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हम यू स्टेज में, मिडल एंड ओल्ड स्टेज में। ओके, तो जब उसकी यू स्टेज होगी तो उसमें मैक्सिमम जो रिवर है वो इरोजन का वर्क करेगी, मिडल स्टेज में वो मैक्सिमम जितने भी इरोडेड मटेरियल उसे डिपॉजिट करेगी, एंड लास्ट में ओल्ड एज में वो डेल्टा क्रिएट करेगी। बिफोर मीटिंग द सी और ओशन द रिवर फॉर्म्स एज डेल्टा, तो जब वो सी और ओशन पे मर्ज, ओके रिवर लास्ट में
बिफोर मीटिंग द सी और ओशन द रिवर फॉर्म्स अ डेल्टा. तो ये लास्ट स्टेज होती है रिवर की, यहाँ पे डेल्टा क्रिएट करती है. दिस एरिया हैव हैवी डिपॉजिट ऑफ सिल्ट एंड द इरोडेड मटेरियल. ओके, तो ये स्टेजेस हैं रिवर की, और यहाँ पे जब रिवर फ्लो करती है तो वैली एंड गॉर्जेस मेक करती है. ओके, ये लैंड फॉर्म्स हैं जो कि रिवर्स क्रिएट करती है. ओके, ओके, अब सेकंड डिस्कस करते हैं हम कि कौन से लैंड फॉर्म्स हैं जो कि सी वेव्स ये क्रिएट करती है. सो कोस्टल लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सी और ओशन वेव्स, इन्हें हम कोस्टल लैंड फॉर्म्स कहेंगे, क्योंकि जो सी वेव्स हैं ये मैक्सिमम नियर बाय जो कोस्ट लाइन है वहीं पे ये फ्लो ब्लो करेंगी. तो यहाँ पे फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सी और ओशन वेव्स, बीचेस आर द मोस्ट कॉमन कोस्टल लैंड फॉर्म. तो जो जो सी वेव्स जब कौन सा लैंड फॉर्म क्रिएट करेंगी, बीचेस, ओके, एंड ऑल्सो सी क्लिफ्स एंड ऑल्सो सैंड बार्स, टम्बोलो, सी आर्क एंड सी स्टार. ओके, ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है जो कि क्रिएट करती हैं कौन, सी वेव्स. ओके, तो सी क्लिफ इस तरह का है, क्लिफ की तरह एक सी स्टैक, सी आर्क, देखो आर्क लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस बीच, ये सभी लैंड फॉर्म कौन क्रिएट करता है, ये सी वेव्स. ओके, एंड नेक्स्ट इज लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय ग्लेशियर. तो ग्लेशियर्स जब ये जब रन करते हैं ये, तो ये कौन कौन से लैंड फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन फीचर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिवर जब करती है वो क्या बनाती है, वो वैली बनाती है. वैली कौन सी है, वो वी शेप वैली. ओके, एंड जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो कौन से लैंड फॉर्म क्रिएट करते हैं, ये यू शेप वैलीज क्रिएट करते हैं. ऑल्सो ग्लेशियर्स कौन से लैंड फॉर्म क्रिएट करते हैं, सर्क, जो कि होलो वैली माउंटेन स्लोप, सर्क क्रिएट करेंगे, एक हैंगिंग वैली. ओके, एंड ऑल्सो हॉर्न. ओके, तो ये वाले लैंड फॉर्म्स है जो कि ग्लेशियर्स ये क्रिएट करते हैं. ओके, जब इनकी ग्लेशियर्स की जब मूवमेंट होती है. ओके, तो सो ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है जो कि डिफरेंट जो एजेंट्स हैं जो कि वेदर मटेरियल, जो इरोडेड मटेरियल है, उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं वन प्लेस टू अनदर. तो ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ये क्रिएट करते हैं. तो ग्लेशियर कौन कौन से करते हैं, देखो सबसे पहले हॉर्न क्रिएट करेंगे जब ग्लेशियर्स की मूवमेंट होगी. ओके, हॉर्न, हैंगिंग वैली, सर्क, मोरेन एंड यू शेप्ड वैली, ये सभी लैंड फॉर्म ग्लेशियर्स क्रिएट कर रहे हैं. ओके, इसमें देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोरेन्स की, व्हाट यू मीन बाय मोरेन्स. तो मोरेन्स क्या है कि मोरेन्स इज अ कॉमन टर्म यूज्ड फॉर सेडिमेंट डिपॉजिट बाय ग्लेशियर्स. ओके, तो जब ग्लेशियर्स की जब मूवमेंट होती है तो अपने साथ वो जो उसके सेडिमेंट्स होते हैं जो उसे डिपॉजिट करती है ग्लेशियर की मूवमेंट्स, तो उसे हम कहते हैं मोरेन. ओके, तो सो मोरेन इज अ कॉमन टर्म यूज फॉर सेडिमेंट्स डिपॉजिट बाय ग्लेशियर्स. तो मोरेन्स क्या है कि जब ग्लेशियर्स की मूवमेंट होती है जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं उसे हम मोरेन्स कहते हैं, उसे हम. ओके, अब लास्ट हम करेंगे डिस्कस कि जब विंड ब्लो करती है तो वो कौन कौन से लैंड फॉर्म्स को वो क्रिएट करती है. ओके, इसमें मैक्सिमम जो एग्जाम्पल दिया गया है वो देखो ऐसा नहीं है कि जो विंड की मूवमेंट होती है तो सिर्फ वो डेजर्ट्स में ही लैंड फॉर्म क्रिएट करती है. ओके, तो जो नॉर्मल एरिया अगर वेजिटेशन वाला एरिया तो वहां पे भी वो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को क्रिएट भी करेगी और उनको रीशेप भी करेगी और डिस्ट्रॉय भी करेगी. ओके, तो सबसे पहले डेजर्ट की बात करेंगे कि डेजर्ट में अगर विंड ब्लॉक करती है तो वहां पे काफी वेरी फास्ट स्पीड से ब्लॉक करती है, और यहाँ पे कौन सा लैंड फॉर्म क्रिएट करती है, मशरूम रॉक्स. ओके, तो ये मशरूम रॉक्स इसलिए इनको नेम दिया गया है कि जो ये स्ट्रक्चर ये क्रिएट करती है ये मशरूम लाइक होता है. ओके, तो इसलिए इसको नाम दिया गया कि ये मशरूम रॉक्स एंड ऑल्सो सैंड रिपल्स, दीज सैंड रिपल्स एंड सैंड ड्यून्स. देखो जो सैंड ड्यून्स है ये मोस्ट कॉमन फीचर्स, और ये सिर्फ डेजर्ट्स में ही हमें विजिबल होगा. ऐसे नहीं कहेंगे कि जहाँ वेजिटेशन वाला एरिया तो वहां पे भी हमें सैंड ड्यून्स क्रिएट करेंगे, हमें विजिबल होंगे. जो सैंड ड्यून्स है, सैंड ड्यून मीन्स कि सिर्फ डेजर्ट वाले एरियाज में ही हमें लैंड फॉर्म्स हमें देखने को हमें मिलेंगे. ओके, अब एक इसमें लास्ट कर लेते हैं, टू मिनट में फिनिश करेंगे. द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ नॉन एरिड और सेमी एरिड रीजन इनटू डेजर्ट रीजन. ओके, अगर मान लेते हैं अगर कोई रीजन हमारे पास कोई प्रेजेंट है जो कि नॉन एरिड और सेमी एरिड रीजन है, जब वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डेजर्ट रीजन में. ओके, उसे हम कहेंगे कि उस एरिया का डेजर्टिफिकेशन हो गया है. ओके, इसकी ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर इरीगेशन एंड यूज ऑफ क्रॉप डोंट सस्टेन इन सेमी एरिड रीजन आर अदर रीजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट. द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ नॉन एरिड और सेमी एरिड रीजन इन टू अ डेजर्ट रीजन कॉल्ड एट डेजर्टिफिकेशन. ओके, एंड द लास्ट वन इज
सम एक्शंस टेकन बाय कैन रिस्ट्रिक्ट द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, कि कुछ ऐसे स्टेप्स भी हमें दिए गए हैं जिससे कि हम जो डेजर्टिफिकेशन अगर लैंड का हो रहा है तो हम उसे किस तरह से हम उसे स्टॉप कर सकते हैं। ओके तो ऐसी कौन कौन सी थिंग्स है जो कि हम इंक्लूड कर सकते हैं, प्लांटिंग प्लांटेशन अगेंस्ट द विंड दैट मूव्स फ्रॉम डेजर्ट टू द नॉन डेजर्ट रीजंस, कि हमें प्लांट को इस तरह से उनको प्लांटेशन करनी है कि अगेंस्ट द विंड जिससे कि हम मूव्स फ्रॉम द डेजर्ट टू द नॉन डेजर्ट रीजंस। ग्रोइंग प्लांट्स दैट कैन होल्ड द सैंड सॉइल, ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, मैक्सिमम ट्रीज को हमें प्लांट करना चाहिए जिससे कि क्या है कि जो कि सॉइल है सॉइल को, क्योंकि आपको मैक्सिमम पता है कि जितने भी प्लांट्स और ट्रीज हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। ओके जिससे कि डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस जो काफी स्लो होता है, इसलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट भी काफी फोकस करती है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ट्री को प्लांट करो। ओके यूजिंग प्रॉपर इरीगेशन मेथड टू स्टॉप मिस यूज ऑफ वाटर, अगर हम प्रॉपर इरीगेशन मेथड यूज करेंगे जिससे कि हम वाटर को मिस यूज हम करने से रोक सकते हैं। हम चेकिंग ऑन ओवर ग्रेजिंग, प्लांटिंग प्लांट्स दैट अडैप्ट वेल टू ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके तो ये कुछ मेजर थे जिससे कि हम डेजर्टिफिकेशन एरियाज को हम रोक सकते हैं हम। और इसमें जो लैंडफॉर्म्स है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब विंड की मूवमेंट होती है, जो विंड एजेंट है, ये कौन कौन से लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं, मशरूम रॉक, सैंड रिपल्स एंड सैंड ड्यून्स। ओके देखो मशरूम रॉक इसलिए मैंने पहले भी बताया, मशरूम रॉक की जो उसका स्ट्रक्चर मतलब शेप बनती है वो एज लाइक जैसे मशरूम होते हैं उसकी तरह, इसलिए उस रॉक्स को नाम दिया गया है मशरूम रॉक्स। ओके तो हमने एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस हमने डिस्कस कर ली हमने अच्छे से। ओके तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके थैंक यू।